हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक दिए गए एल्डिहाइड सैंपल के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया हुआ है और जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जिसमें एल्डिहाइड एक ग्रुप जो है वो फ्री होता है, फ्री टू रिएक्ट। उसकी रिएक्शन हम बेनेडिक्ट रिजेंट के साथ यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज का एक थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे लाइक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लाइक वाटर ऐड किया। ये सॉल्यूशन बन जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लूकोज का यहाँ पे सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया है, एक्वियस सॉल्यूशन जिसे ओरिजिनल सैंपल कहेंगे यहाँ पे। इसे यहाँ पे लाइक सॉल्यूशन बनाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ यहाँ पे बेनेडिक्ट रिजेंट ऐड करेंगे। तो बेनेडिक्ट रिजेंट यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बेनेडिक्ट रिजेंट मिला दिया, जिससे कि हमें यहाँ पे लाइट ब्लूइश कलर सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। अब हम इसको वाटर बाथ के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो वाटर बाथ के लिए जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या कलर चेंजेस यहाँ पे। आप स्लाइटली यहाँ पे कलर चेंजेस यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो कलर है वो धीमे धीमे यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले ब्लूइश था, अब यहाँ पे ग्रीनिश कलर यहाँ पे आ गया है। सॉल्यूशन का कलर पहले ग्रीनिश हुआ, ग्रीनिश से फिर येलोइश, अब थोड़ा सा ऑरेंज कलर की तरफ यहाँ बढ़ रहा है। सॉल्यूशन का जो कलर है वो धीमे धीमे जो है रेगुलरली चेंज होता जा रहा है। तो अगर इस तरह से कोई भी एडियाटिक सैंपल इस तरह से कलर चेंजेस करता है, और पहले ब्लूइश, ब्लूइश से फिर ग्रीनिश हुआ, ग्रीनिश से फिर येलोइश हुआ, अब धीमे धीमे ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट रिजेंट टेस्ट। तो आप किसी भी एडियाटिक सॉल्यूशन के लिए बेनेडिक्ट रिजेंट टेस्ट बहुत ही आसानी से करेंगे। एंड दिस इज द फाइनली ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय द बेनेडिक्ट रिजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह से किसी भी एडियाटिक सॉल्यूशन के लिए बेनेडिक्ट रिजेंट टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं।